ये तो हमने आपको बता दिया था कि अगर जो है करंट लिस्ट में अगर केंद्र और राज्यों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून चलता है, मगर एक एक्सेप्शन है कि जब जो है केंद्र राज्यों के कानून में टकराव होगा तो राज्य का कानून चलेगा। एक एक्सेप्शन भी बताया था हमने, बताया था कि नहीं, कल नहीं बताया था, शायद पहले बताया था, वही हमको कंफर्म करना कि हमने बताया कि नहीं बताया। नॉर्मली केंद्र राज्यों के बीच अगर कानून में टकराव हो गया है तो केंद्र का कानून चलेगा, राज्य का कानून नहीं चलेगा। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बनाते वहां टकराव हो सकता है, संघीय सूची के विषय में अकेले केंद्र ही कानून बनाएगा तो उसका किसी से टकराव नहीं होना है, राज्य सूची के विषय में अकेले राज्य ही कानून बनाएगा तो उसका किसी से टकराव नहीं होना है, मगर समवर्ती सूची के विषय में उसी विषय पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। जब एक ही विषय पर दो लोग दो भिन्न संस्थाएं कानून बनाएंगी तो उनमें टकराव पैदा हो सकता है, उस टकराव में केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य के कानून को केंद्र के कानून के आगे झुकना पड़ेगा। मगर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जब राज्य के द्वारा बनाया गया कानून जो है केंद्र के कानून के विरोध के बावजूद लागू रहेगा तो क्या वो एक्सेप्शन हमने आपको बताया है, लिखाया है, ये बताइए, और बताया है तो बताइए क्या एक्सेप्शन है, कब लागू होता है। हाँ, अगर राज्य सूची के किसी कानून में, देखिए राज्य में कानून कैसे बनता है, राज्य में कानून ऐसे बनता है कि राज्य का जो विधानमंडल है, जो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर है, यहां पर जो है बिल पास हो गया, यहां बिल पास कर दिया गया, बिल पास करने के बाद किसके पास जाएगा, राज्य के गवर्नर के पास जाएगा। जो राज्य विधानमंडल में जो कानून पास होता है, राज्य विधानमंडल में जो कानून पास होता है, यहाँ पास होने बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद किसके पास जाता है, गवर्नर के पास। गवर्नर जो है आर्टिकल 200 के तहत या तो उसको अपनी असेंट अपनी स्वीकृति देगा, अगर असेंट अपनी स्वीकृति दी तो क्या हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा, या फिर इसको वीटो कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी, या उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। ये सारे काम आर्टिकल 200 के तहत जो है राज्य गवर्नर करता है। राज गवर्नर के पास के अलावा एक चौथा विकल्प भी होता है, वो इस राज के बिल को जो है कोई कोई निर्णय नहीं करेगा, बल्कि उसको सीधे भेज देगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति आप इस पर डिसाइड कीजिए किसको वीटो करना है, किस सहमति देनी है, क्या करना है, इस पर आप डिसाइड कीजिए, ऐसा होता है, बताया ना। अब राष्ट्रपति पास गया, अब राष्ट्रपति इस पर जो है अनुच्छेद 201, राष्ट्रपति इसमें अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय करेगा इसको हम स्वीकार करें कि इसको हम अस्वीकार करें, ठीक, राष्ट्रपति निर्णय करेंगे इसको वीटो करें कि पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। अगर राज बिल को गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया है, राष्ट्रपति ने उसमें विचार करने के बाद उसमें अपनी सहमति दे दी है, इस प्रकार से जो राज्य का कानून बनेगा वो कानून सेंट्रल के विरोध के बावजूद भी, सेंट्रल के कानून उस कानून में अगर असंगति है तो उसके बाद भी राज्य का कानून बना रहेगा, ये एक अपवाद है। सामान्य तौर पर राज्य का कानून अगर समवर्ती सूची में बनाया गया है और केंद्र ने भी उसी विषय पर ऑन द सेम मैटर कानून बनाया है और वो कानून में अगर अनुरूपता नहीं है, साम्यता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो केंद्र का कानून चलेगा, राज्य का कानून नहीं चलेगा। मगर अगर राज्य का कानून जो है राष्ट्रपति की सहमति से बना है, क्योंकि गवर्नर ने स्वयं निर्णय न करके राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया था, राष्ट्रपति ने विचार करके उसमें कहा इसको मान लिया जाए, इसको सहमति दी जाए, तो इस प्रकार से अगर राज्य का कानून बना है तो फिर ऐसा कानून केंद्र के कानून के होते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, भले ही केंद्र के कानून से उसकी सहमति ना बन रही हो, ये एक अपवाद है, ठीक। ये चीज हमने आपको साथ लिखाई थी और बताई थी, हम वही कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हमने करवाया था, लिखा दिया था, लिखाया था नहीं, बात याद है आप लोगों को, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने आप देखिए इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति जब किसी बिल को अपनी सहमति देते हैं या वीटो करते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं तो राष्ट्रपति ये सारा काम जो है अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। जब मैं आपको बताया था अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति
जब संसद के किसी बिल को अपनी सहमति देंगे या उसको वीटो करेंगे या उसको संसद को पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भेज देंगे, तो राष्ट्रपति ये सारे काम जो है अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। लेकिन जब राज्य विधानमंडल का कानून राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है थ्रू गवर्नर कि जरा आप उस पर विचार कीजिए, सहमत हुई रहिए या वीटो कीजिए या राज्य को ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज दीजिए, जब इस पर राष्ट्रपति अपना कोई निर्णय करते हैं तो वो अनुच्छेद 201 होता है। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। हालांकि जब हम आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो वहां इन चीजों को हम बताएंगे, लेकिन तब तक का आपको इंतजार नहीं करना है। तो राष्ट्रपति जब संसद के किसी बिल के बारे में अपना निर्णय करते हैं कि उसको सहमति दें कि वीटो करें, तो ये सारा काम अनुच्छेद 111 के तहत होता है। मगर जब राज्य विधानमंडल के किसी बिल पर राष्ट्रपति कोई निर्णय करते हैं इसी प्रकार का, तो वो अनुच्छेद 201 के तहत होता है। ठीक, हाँ, विधानमंडल वाले स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट, हाँ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा होती स्टेट असेंबली। अब स्टेट लेजिस्लेचर कहीं पर यूनिकैमरल है तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। यहां दो चैंबर हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो यहां का स्टेट लेजिस्लेचर में दो सदन है। तो स्टेट लेजिस्लेचर एक कॉमन टर्म है, माने राज्य की विधायिका, राज्य का विधानमंडल। अब राज्य का विधानमंडल एक सदनी है तो वहां सिर्फ विधानसभा होगी, राज्य का विधानमंडल दो सदनी है तो वहां विधानसभा और विधान परिषद होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। ये जब आपको लेजिस्लेचर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर इसको कायदे से बताया जाएगा। अभी तो बस चीजें कुछ सामने आ गई, उसका रेफरेंस दे दिया, ठीक, ताकि बात अटके नहीं, बात आगे बढ़ जाए। हाँ, वो अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को ये करना है कि हिंदी में जो पढ़ाया उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, समझ तो आ जाएगा। उसके बाद आप अपने, आपने पास बुक रखी है लक्ष्मीकांत की, आप बुक्स उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट नहीं था, जब कोई स्टूडेंट था नहीं तब किसको इंग्लिश में बताते, किसको लिखाते। ठीक, तो क्योंकि सारा काम हिंदी हुआ कल, हिंदी से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आप जो लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। आप कहें तो हम आज पूरा हिंदी में ही पढ़ाएं, समझाएं और लिखाएं, और फिर बाद में आप लोग इंग्लिश में लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिए। अच्छा, अच्छा पढ़ के देखिए क्या पढ़ा कि बिना पढ़े बता दिया, समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, हम ही कह रहे लक्ष्मीकांत ना, आपने कल की बात नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ के देखा है, आती है ना, तो हम यही तो बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि मान लीजिए सपोज आज हम आपको पूरा हिंदी में बताएं, समझाएं और लिखा भी दें हिंदी वालों को, अरे सब लक्ष्मीकांत का ही तो दे रहे हैं आपको। देखिए, कल हमने क्या बताया था, कल हमने बताया था कि कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियां होती हैं, कुछ इस प्रकार के एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं, कुछ इस प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब राज्य सूची पर संसद सीधे कानून बनाती है। अभी तक हमने आपको यह बताया है कि संसद पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट राज्य सूची पे कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। मगर कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची में सीधे जो पार्लियामेंट का दखल होता है, राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कानून बनाना शुरू कर देती है। जैसे जब नेशनल इमरजेंसी लगती होती है, नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं पार्लियामेंट उसमें सीधे कानून बना लेती है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस राज्य में, उस राज्य के लिए
उसके स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उसमें पार्लियामेंट सीधे कानून बनाती है। जब राज्यों की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सेंटर में, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अगर ये जो है संसद को अथॉरिटी दे दे कि राज्य सूची के विषय पे आप कानून बनाइए, भाई संसद में दो सदन है, दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है ये राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जो राज्यसभा है ये राज्यों की नुमाइंदगी, राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो राज्यों के नुमाइंदे, राज्यों की प्रतिनिधि संस्था राज्यसभा या संसद को अथॉरिटी दे दे कि आप राज्य सूची के विषय में कानून बनाइए, तो संसद राज्य सूची के विषय में सीधे कानून बना लेती है। जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमति कर दे और संसद कहे कि राज्य सूची के इस विषय पे आप हमारे कानून बनाइए, तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना लेती है। कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता में लागू करना है, भारत सरकार ने जो है जिनेवा में बैठकर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि की, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता किया और वो विषय जो है स्टेट लिस्ट का है, तो भारत सरकार ने जो अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट या ट्रीटी की है तो बावजूद उसके कि विषय स्टेट लिस्ट का था, भारत सरकार माने संघ सरकार अर्थात पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना देगी, क्योंकि उसको अपने कमिटमेंट्स जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जब जो है संसद राज्य सूची के विषय पर सीधे कानून बना लेती है। ठीक, इसके अलावा इस प्रकार से अगर आप देखिए, अगर हम एनालिसिस करें तो संघ सूची में किसको कानून बनाने का अधिकार है? संसद को। राज्य सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची में किसको कानून बनाने का अधिकार है? राज्य को। मगर असाधारण परिस्थितियों में संघ को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। समवर्ती सूची में किसको कानून बनाने का अधिकार है? दोनों को, संसद बोथ, दोनों को। मगर यहां पर भी जो है समवर्ती सूची में संसद का कानून राज्य का कानून दोनों बना, संसद का कानून राज्य के कानून पर हावी हो जाएगा। एक तरीके से आप देखें तो पूरे में जो है संसद छाई हुई है। समान परिस्थितियों में तो संघ सूची और समवर्ती सूची में तो संसद का अथॉरिटी है ही, स्पेशल परिस्थितियों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में संसद राज्य सूची में भी सीधे हस्तक्षेप करती है, कानून बना देती है। ठीक, इस प्रकार से भारत में विधायी शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। इट इज इंक्लाइंड टू यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में यही तो होता है, यूनिटरी सिस्टम में राज्यों की कोई अथॉरिटी नहीं होती, जो चाहता केंद्र करता है, क्योंकि केंद्र ऑल पावरफुल होता है। हम कह रहे हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं, मगर देखिए किस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे संविधान ने विषयों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि संसद अर्थात केंद्र सरकार को सशक्त बनाकर रखा है। ना सिर्फ संसद के पास अधिक विषय है बल्कि अधिक महत्वपूर्ण विषय भी है। देखिए, इनकम टैक्स किसके पास है? संसद के पास। कॉर्पोरेट टैक्स किसके पास है? संसद के पास। लेकिन हल्के फुल्के टैक्स राज्य के पास है। मेला लगा हुआ है, मेला से टैक्स वसूलो, राज्य के पास। अरे मेला खेला से आपको कितना टैक्स मिलेगा? अरे पैसा मिलेगा जब अक्षय कुमार अपनी इनकम टैक्स पे करेंगे, जब शाहरुख खान अपनी इनकम टैक्स पे करेंगे, जब विराट कोहली अपना इनकम टैक्स पे करेंगे, पैसा मोटा माल वहां से मिलेगा। धूम मोटा माल किसके पास जाएगा? केंद्र के पास। कॉर्पोरेट टैक्स के पास है? केंद्र के पास। बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, वहां से कॉर्पोरेट टैक्स केंद्र के खजाने में आएगा। पैसा किसके पास? केंद्र के पास। इनके पास क्या पैसा? अरे मेला लगा है, वसूल लेला, ठीक है, चुंगी वसूल लेला, ये करना, विज्ञापन कर वसूल लेना, जो यहाँ वोटिंग वगैरह लगी हुई है। अरे यहाँ से आपको कितना पैसा मिलेगा? तो आपके पास अधिक शक्तियां हैं। तोप किसके पास? मिसाइल किसके पास? टैंक किसके पास? संसद के पास। और लाठी किसके पास? पुलिस की, राज के पास। पुलिस राज के पास है। तो देखिए शक्ति किसके पास है? शक्ति देखिए तो संसद केंद्र के पास है। केंद्र के पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, मिसाइलें, एटॉमिक एनर्जी किनके पास? केंद्र के पास। और पिस्टल चलाने के लिए किसके पास? राज्य के पास। इनके पास पुलिस है। ठीक, आप अगर देखें पूरा, अगर पूरा देखें तो हर जगह आप पाओगे कि ना सिर्फ आपने इनको विषय ज्यादा दिए हैं बल्कि बड़े महत्वपूर्ण विषय दे दिए हैं। इनको विषय कम दिए और जो दिए भी उनका कोई वैल्यू नहीं। कौन सशक्त है? केंद्र सरकार। और जो उनको विषय दिए गए असाधारण परिस्थिति में उस पर भी आप हावी हो जाते हो। ठीक, तो इसलिए भारत में
जो विधायी शक्तियों का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, ये झुका हुआ है इसके पक्ष में, इन फेवर ऑफ यूनियन, केंद्र के पास है, संघ के पास है। ठीक, अब कुछ ऐसी देखो, एक इसके अलावा भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब केंद्र सरकार राज्यों के कानून पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। देखिए, अभी तो असाधारण परिस्थितियों में सीधे सीधे राज्य का कानून बना रहे थे, सेंटर जो है सीधे सीधे जो है स्टेट लिस्ट में जो विषय दिया था उसको वो खुद पर कानून बना रही थी सेंटर। पिछले क्लास में ऐसे पांच प्रश्न आपको बताई, आज हम बताने जा रहे हैं, आज हम ये बताएंगे कि कानून तो नहीं बनाएगी केंद्र सरकार राष्ट्र सूची पर, मगर राष्ट्र सूची पर जो कानून बनेगा उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र सरकार का। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जिस पर जो है जिसको स्टेट गवर्नर रिजर्व कर लेता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, राजस्थान किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार। राजस्थान सरकार ने वहां के स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और पास करने के बाद वहां के गवर्नर भेजे, इसमें आप सिग्नेचर कर दीजिए। गवर्नर का रुको रुको अभी देखते हैं, और बिल जो है पहुंचा दिया राष्ट्रपति के पास। देख लो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचा, द्रौपदी मुर्मू के लिए मजा नहीं आ रही है, वापस करो इसे। फिर से लोड किया गया राजस्थान सरकार के पास, राजस्थान ने इस पर पुनर्विचार के सब किया, दोबारा फिर भेजा द्रौपदी मुर्मू पास। फिर क्या, द्रौपदी मुर्मू का लिफाफा उसका मजा अच्छा नहीं लग रहा, कैसे लिफाफे में भेजा है, पुनर्विचार के लिफाफा पास कर दिया। पता चला बार बार पुनर्विचार के लिए राजस्थान सरकार के पास आ रहा है, और ज्यादा हुआ तो द्रौपदी मुर्मू ने वीटो कर दिया। राजस्थान सरकार अपने उसी स्टेट लिस्ट में क्या कानून बना पा रही है? नहीं बना पा रही है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि राज्य सूची, राज्य विधानसभा कोई बिल पास करती है उसको गवर्नर जो है खुद सहमति देने के बजाय उसको भेज सकता है केंद्र के पास, और केंद्र में राष्ट्रपति चाहे तो उसको सहमति दे तो चाहे तो उसको वीटो कर दे। तो इस प्रकार से भी देखिए, इस प्रकार से राज्य जो अपने कानून बना रहा है उस पर नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार कहेगी इस बिल में इस प्रकार के अमेंडमेंट कीजिए तब हम आपको सहमति देंगे। ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं सकता है कि राज्य सूची पे जो राज्य कहता है कि कानून बनाने का मुझे अथॉरिटी है, आपको अथॉरिटी है, मगर आपको उस बिल को राज्य का गवर्नर केंद्र के पास भेज देगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति कहेंगे इसमें इसको इस प्रकार से बदलिए कानून को, ऐसा कानून हम नहीं मानेंगे, तो हम वीटो कर देंगे। पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, इसका अर्थ ही होता है कि इसमें इस प्रकार के आप चेंज कीजिए, इस प्रकार का आप अमेंडमेंट कीजिए, तब हम उसको स्वीकार करेंगे। पुनर्विचार का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति के पास बिल गया, राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए कानून को पढ़ा, इसके इस पैरा में चेंज कीजिए, इसके इस प्रोविजन में चेंज कीजिए, इसको ऐसा बनाइए, ऐसा बनाकर फिर मेरे पास लाइए, तब हम सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य सूची पर स्टेट इस पर कानून बनाता है, उसके कानून बनाने पर नियंत्रण किसका हो जाता है? केंद्र सरकार का। देखिए कितने तरीके हैं जहां पर यूनियन, या हम कहें यूनियन पार्लियामेंट के पास राज्य सूची में केंद्र राज्यों को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। समझ आ रहा है? तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का जो मॉडल है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा कि अमेरिका का है। अमेरिका में राज्यों के पास वाकई में ताकत है, और केंद्र सरकार उनके साथ मनमाना आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि वहां का फेडरल स्ट्रक्चर बना ही ऐसा है कि राज्यों ने, वहां के राज्य थे स्वतंत्र देश थे, सबने आपस में सिग्नेचर किया, सिग्नेचर करने के बाद वो एक संघ, एक फेडरेशन के रूप में अस्तित्व में आए। भारत पहले से ही एक राष्ट्र था, एक यूनिट था। भारत ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने एक उस स्टेट को, अपने उस नेशन को अलग अलग राज्यों में बांटा है। तो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर का अपना मॉडल है और यूएसए का अपना मॉडल है। यूएसए में जो कंपोनेंट यूनिट्स हैं ऑफ फेडरेशन, अर्थात यूएसए में जो वहां के स्टेट्स हैं उनके पास जो अथॉरिटी है, वहां पर केंद्र सरकार उनके साथ ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन भारत में जो फेडरेशन है, यहां पर केंद्र सरकार सशक्त है और राज्य कमजोर है। राज्य को इसलिए भी कमजोर रखा गया, जब देश आजाद हुआ तो भारत को विभाजन की, पार्टीशन का ट्रेजेडी भोगनी पड़ी। तो इसलिए संविधान निर्माता सशक्त थे, आशंकित थे कि अगर हमने केंद्र सरकार को
राज्यों के बराबर शक्ति दी, माने अगर हमने ट्रू फेडरेशन का निर्माण किया, अगर हमने असली संघ बनाया, तो फिर देश पता नहीं कितने टुकड़ों में पड़ जाए। तो केंद्र सरकार को इतना सशक्त रखो कि राज्य सर ना उठा पाए, इसके पीछे ये लॉजिक काम कर रही थी। और इतिहास में साक्षी है, जब जब केंद्र में सशक्त और मजबूत सरकार आई है, चाहे औरंगजेब की हो, चाहे शाहजहां की हो, चाहे अकबर की हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की हो, चाहे महान अशोक की हो, जब जब केंद्र शक्तिशाली हुआ तब तक पूरा राष्ट्र एकजुट रहा। और जब केंद्र में कमजोर सत्ता आई तो देश ने राजनीतिक विखंडन विभाजन के दौर देखे हैं। ठीक, तो इन सारी बातों से सबक लेते हुए भारत में हमने अपनी संघीय व्यवस्था में शक्तियों को केंद्र सरकार के पक्ष में डाल दिया। समझाया? नहीं, वहां पर कर सकते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट जो संसद में जो बिल भेजा जाता है वहां पर प्रेसिडेंट बाउंड है कि एक बार आप रिटर्न कर सकते हो, अगर दोबारा फिर से आपके पास आ गया तो आपको मानना पड़ेगा। ये चीज बाउंडेशन जो है संसद के बिल के बारे में है, राज्य के बिल के बारे में नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर से जो बिल आ रहा है वहां पर उनको खूब अथॉरिटी दी गई है, क्योंकि हमने अपने केंद्र को सशक्त और राज्यों को कमजोर बना के रखना है। ठीक, तो हेडिंग डालिए सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, कंट्रोल, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। तो पानी नहीं, क्या पानी नहीं ला क्या? दे दीजिए। लिख लिया? Besides the Parliament's power to legislate directly on state list, besides the Parliament's power to legislate directly on state subjects, the union can also control, the union can also control over state legislation. राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा सीधे, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा सीधे कानून बनाए जाने के साथ साथ, राज्य सूची के विषय पर उसको हम कई बार रिपीट करते हैं ना, कई बार रिपीट करते हैं है? इसको कई बार रिपीट भी कर देते हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा सीधे कानून बनाए जाने के साथ साथ, संसद द्वारा सीधे कानून बनाए जाने के साथ साथ केंद्र केंद्र
कई तरीकों से राज्य विधायन पर नियंत्रण भी रखते हैं, कई तरीकों से राज्य विधायन पर नियंत्रण भी रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि वहां पर कानून तो नहीं बना रहा राज्य सूची पर, मगर जब राज्य विधानसभाएं अपना कानून बना रही है तो उसमें आपका इंटरफेरेंस है, उसमें आपका दखल है, उसमें आपका कंट्रोल है। अमेंडमेंट नहीं लगा सकते उनको, इस प्रकार से आप निर्देशित कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से कानून बनाना पड़ेगा या कानून बनाने से बचना पड़ेगा, नहीं बना पाएंगे वो। एक तो यही तरीका है कि हमने सीधे आपके विषय में जाके सीधे जाके कानून बना दिया। एक ये है कि हमने कानून नहीं बनाया, निर्णय आप ही कर रहे हो, मगर आपका निर्णय जो है मेरे प्रभाव में हो रहा है। हमारे घर के किसी मामले में कोई व्यक्ति बाहर का आकर सीधे हस्तक्षेप करे, एक ये तरीका है। दूसरा, सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है लेकिन हमारे घर के निर्णयों पर वो अपना असर डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। निर्णय हम ही लोग कर रहे हैं मगर हमारे घर के निर्णयों पर उसका प्रभाव है। ठीक, तो दो तरीके होते हैं। एक तो सीधे जाके हमने कानून बना दिया सूची के विषय पर, एक ये कि हमने सीधे जाके नहीं बनाया, कानून आप ही बना रहे हो लेकिन हमारे नियंत्रण में पड़ रहा है, वही चीज है। तो तीन तरीके हैं। पहला तरीका यह है सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स। कौन से तीन तरीके वो बता रहे हैं? सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजर्व्ड बाई स्टेट गवर्नर, for consideration of the president. Next line, for consideration of the president. And the president enjoys absolute veto over such state bill. हिंदी में लिख लीजिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसे राज्य विधेयक पर पूर्ण वीटो, जिसको कहते हैं आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे राज्य विधेयक पर पूर्ण या आत्यांतिक वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। आत्यांतिक वीटो का होता है उसको हमने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं सहमति देते, उसका तो बिल खत्म हो जाएगा,
तो देखिए राज्य विधानसभा स्टेट में कोई कानून बना रही है, मगर वो कानून किसके नियंत्रण में बन रहा है? केंद्र सरकार के, क्योंकि तो गवर्नर ने सहमति नहीं दी और केंद्र के पास पहुंचा दिया, और केंद्र सरकार या तो कहेगा इसमें ये संशोधन करो तब सहमति देंगे, और नहीं तो हम इसको वीटो कर दे रहे हैं। ठीक, दूसरा केस ये होता है, कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जब राज्य विधानसभा में रखे जाते हैं, तो राज्य विधानसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मांगी जाती है। ऐसे रखे नहीं जाएंगे, जब राष्ट्रपति अनुमति दे देगा तब स्टेट लेजिस्लेचर में वो बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको राज्य विधानसभा कानून बना के रिस्ट्रिक्ट कर रही है, इस पर प्रतिबंध लगा रही है। ट्रेड और कॉमर्स पर जो है राज्य विधानसभा जो है एक कानून ला रही है, और कानून लाकर इसको रिस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित करना चाह रही है, इसमें कुछ रोक लगा रही है, कुछ काम संशोधन करना चाह रही है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ा अगर ऐसा कोई बिल जो है राज्य विधानसभा ला रही है, तो तभी लाएगी जब पहले जो है प्रायर परमिशन मिल जाए राष्ट्रपति की। तो ऐसे बिल राज्य की विधानसभा अपने हाउस में तभी इंट्रोड्यूस करेगी जब पहले राष्ट्रपति से प्रायर सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन मिल जाए। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते तो विधानसभा अपने विधानमंडल में ऐसा कोई विधेयक शुरुआत ही नहीं कर पाएगी, लाए नहीं पाएगी, इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉ मेकिंग पावर है उस पर कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्र सरकार। ठीक, लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर cannot be introduced in state legislature unless prior permission गलत हो गया, इस प्रकार से लिखिए, सर्टेन टाइप ऑफ स्टेट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर सर्टेन टाइप ऑफ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in state legislature only after the previous permission of the president. Certain type of bills can be introduced in state legislature only after the previous permission of the president. Hindi mein likh lijiye, राज्य सूची में दिए गए कुछ मामलों के संबंध में राज्य विधानमंडल में तभी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई हो।
जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई हो। अनुमति प्राप्त हो गई हो। रिटर्न लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए अ बिल, इसका एग्जांपल लिख लीजिए अ बिल इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। इसका एग्जांपल है अ बिल इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। अ बिल इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शंस, गर्मी ना लगे। ऐसा नहीं, सीट बदल लो ना, आप इधर आ जाइए, आप सबके किनारे चले जाइए। भाई जिसको सर्दी लग रही है वो ठीक पहन के आगे ना बैठे, वो पीछे बैठ जाए। हाँ उमस है ना, इसलिए उमस की वजह से अगर फैन नहीं चलेगा तो अभी हालत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ नहीं आ रही होगी, तो ये आप इधर पड़ जाइए, आप इधर आ जाइए, क्यों तो कस इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए। इसका एग्जांपल है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर इसका एग्जांपल लिख लीजिए अ बिल इंपोजिंग इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन। अ बिल इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन अ बिल इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई राज्य विधेयक। माने अगर ऐसा कोई विधेयक रखा जा रहा है कि जो व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो वो तुरंत वहां से किसको पहुंचा दिया जाएगा? तो वो तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। पहले राष्ट्रपति से सहमति मांगी जाएगी। राज्य विधेयक, राज्य विधेयक, ठीक। तीसरा तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आप हमने आपको बताया था जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगा होता है, तो इस प्रकार का निर्देश जो है राज्य विधानसभाओं को दिया जा सकता है कि आप अपने कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। माने उसमें गवर्नर सिग्नेचर नहीं करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई मनी बिल या फाइनेंस बिल पास कर दिया है तो पास करने के बाद उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल शैल बी रिजर्व्ड फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सच डायरेक्शंस मे बी इशूड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा होता है, क्योंकि देश में वित्तीय संकट चल रहा है, और जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, जो मनी बिल होते हैं, ये खर्चे को बढ़ाते हैं। जैसे योगी सरकार कोई हाईवे बनाना चाह रही है, राज हाईवे, कोई पुल बनाना चाह रही है, किसानों के लिए कोई कल्याणकारी योजना लाना चाह रही है, उसमें पैसा खर्च होगा। महिलाओं बच्चों के विकास के लिए, टीकाकरण के लिए, शिक्षा के लिए कोई जो है योजना लाना चाह रही है, अपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाह रही है, तो ये सारे काम तभी किए जाएंगे जब पहले जो है राज्य की विधानसभा में बिल पास कर उसको कानून का रूप दिया जाए, तभी योगी सरकार काम कर पाएंगे। क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, आप अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर पाओगे। आप कोई काम तभी कर पाओगे जब आपके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ हो, जब आपके पास काम करने की विधिक शक्ति हो, और विधिक शक्ति के लिए आपको पहले कानून पास कराना पड़ेगा। तो ऐसा कानून जिसमें पैसे को खर्च किया जाता है,
ऐसे कानून को मनी बिल या फाइनेंस बिल कहा जाता है। तो जब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वो आप मनी बिल पास कर रहे हो तो क्या सब पास हो जाएगा, तो आप बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दोगे या दूसरे काम करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे कानून को तभी पास होने के बाद गवर्नर्स को अपनी सहमति देंगे। ऊपर से ऐसा डायरेक्शन आ सकता है राष्ट्रपति की तरफ से कि ऐसा कोई मनी बिल या फाइनेंस बिल अगर आप पास करते हो, अगर पास करते हो तो फिर आप उसको मेरे पास भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे उसमें सहमति देनी है कि नहीं देनी है। सुनाई नहीं पड़ रहा, जोर से बोलिए। क्या निकलती है? वैकेंसी। हाँ, स्टेट के अंदर से या वैकेंसी सेवाएं बांटी गई हैं। अभी के प्रशासनिक संबंध पढ़ाएंगे, अभी के प्रशासनिक संबंध बताएंगे तो वहां पर ये चीज क्लियर आ जाएगी। केंद्र की अपनी वैकेंसी होती है, राज्य की अपनी वैकेंसी होती है, ठीक। अब मान लीजिए जो है भर्ती निकाली गई है बैंक की, तो बैंक जो है किसके पास है? यूनियन लिस्ट का विषय है। तो बैंक में चपरासी से लेकर ऑफिसर तक जितनी भर्तियां होंगी वो सब केंद्र की होंगी। जो बैंक की रिक्रूटमेंट आएगी, जो वैकेंसी आएगी, ये यूनियन तरफ से आएगी। देखिए, मान लो पटवारी की वैकेंसी निकलनी है, भू राजस्व लैंड रेवेन्यू किसका विषय है? स्टेट का। तो पटवारी की वैकेंसी निकालनी है तो राज्य सरकार निकालेगी, ठीक। तो भर्तियां जो है बांटी गई हैं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इसकी भर्ती केंद्र सरकार निकालेगा। ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसकी भर्ती राज्य सरकार निकालेगा। अब केंद्र सरकार कौन कौन सी भर्ती निकालेगा? अरे यूनियन लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो विषय यूनियन लिस्ट में है उससे जुड़ी कोई भर्ती होगी तो जो है केंद्र सरकार उसको निकालेगा। स्टेट लिस्ट का विषय उठा के देख लीजिए, स्टेट लिस्ट से जुड़ी जो भर्ती होंगी वो कौन निकालेगा? राज्य सरकार निकालेगी। नहीं, मैं खास नहीं कर सकती हूँ। नहीं, चलिए यहां तक बात हो गई ना। हाँ, लिख लीजिए इसको, तीसरा पॉइंट। द सेंटर तीसरा पॉइंट है, द सेंटर कैन डायरेक्ट द सेंटर या यूनियन, कुछ भी लिख लीजिए, द यूनियन कैन डायरेक्ट माने निर्देश दे सकता है। द यूनियन कैन डायरेक्ट दैट ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल, ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल should be reserved for consideration of the president, should be reserved for consideration of the president after they are passed by state legislature, while proclamation of financial emergency is in operation, while the proclamation of financial emergency is in operation
फिनेंशियल या फाइनेंशियल दोनों उच्चारण सही है, बोथ प्रोनाउंसिएशन इज इक्वली करेक्ट, वेदर यू से फिनेंशियल और फाइनेंशियल। इज इन ऑपरेशन व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। सेंटेंस क्लियर हो गया पूरा? आप देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारों को निर्देश दिया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है कि वह अपने सभी धन विधेयक और वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद, माने जब राज्य विधानमंडल पारित हो जाए उसके बाद अपने सभी धन विधेयक और वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ, आरक्षित करें, इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी के डॉक्ट्रिन को जो है स्वीकार किया गया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्लिक्शन, स्मूथ फंक्शनिंग बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, केंद्र राज्यों के बीच में टकराव को कम से कम किया जा सके और जो है किसी प्रकार के इनके बीच में कोई गतिरोध ना आ पाए, इसके लिए जो है भारत में जो है संघी सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जब हम केंद्र को इतना सशक्त कर देंगे तो राज्य जो है केंद्र के सामने चुनौती नहीं बन पाएंगे और कोई गतिरोध पैदा नहीं कर पाएंगे। गतिरोध कब पैदा होता है? जब हम दोनों पावरफुल हैं, आप अलग है तो काम अटक जाएगा, लेकिन हम में से एक पावरफुल एक कमजोर है तो अगर कमजोर अड़ गया तो काम अटक नहीं पाएगा, क्योंकि पावरफुल उसको कंट्रोल कर ले जाएगा। अगर सेंटर और स्टेट दोनों पावरफुल हैं तो हो सकता है कई मुद्दों पे मामला अटक जाए। तो हमने सेंटर को इतना शक्तिशाली बनाया है कि अगर ये कोई उलझन पैदा करेंगे तो शक्ति इसके पास रहेगी तो ये उसको कंट्रोल कर ले जाएगा और कुल मिलाकर देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी और कोई गतिरोध, कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं पैदा हो पाएगी। तो हमने क्या किया है, हमने जो है फेडरल सुप्रीमेसी, संघी सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया है। हमने क्या किया है, अपने यहां यूनियन को जो है सुप्रीमेसी प्रदान की है, यूनियन को सुपीरियरिटी प्रदान की है ओवर द स्टेट्स, राज्यों के ऊपर हमने केंद्र सरकार को वरीयता, सुपीरियरिटी, प्रेफरेंस दिया है, हमने राज्यों पर केंद्र को सुप्रीमेसी दी है, इसलिए दिया है कि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्शन ना आ पाए। अगर दोनों दो लोग जब समान शक्तिशाली होते हैं तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्शन आ सकता है, इस कंफ्लिक्शन का समाधान नहीं ढूंढ सकते, लेकिन एक शक्तिशाली एक कमजोर है तो कंफ्लिक्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब कोई कंफ्लिक्शन आएगा तो शक्तिशाली जीत जाएगा और कमजोर को दबा देगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, गाड़ी अटक नहीं पाएगी। ठीक, तो इस प्रकार की हमने जो है सावधानी पूर्वक जो है अपना फेडरल स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार किया है। इसलिए भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का अपने विशिष्ट स्वरूप है, अपनी यूनिक फीचर है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का। किस प्रकार से आप देखिए, आपने देखा किस प्रकार से विधायी शक्तियों के मामले में केंद्र जो है राज्यों पर छाई हुई है,
स्टेट्स आर ओवरशैडोड बाय द यूनियन, राज्यों पर केंद्र सरकार छाया हुआ है। ठीक, इस पर जो है मेंस में भी प्रश्न आते हैं और इसमें प्रीलिम्स में भी आते हैं। मान लीजिए मेंस में प्रश्न आया कि बताइए कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का समान बंटवारा किया गया है, दे आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एक्सप्लेन। तो आप बताओगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की व्यवस्था करके शक्तियां बांटी गई हैं और इनको अपने अपने क्षेत्र में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है। किस प्रकार प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्यों को शक्तियों का समान बंटवारा किया गया है, मगर व्यवहार में या सम्यक विश्लेषण के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्या बताओगे संघीय सूची में इतने विषय रखे गए हैं विषयों की न सिर्फ ज्यादा रखा गया बल्कि महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में विषय कम रखे गए उनका महत्व भी कम है, वो भी समर्थित सूची में दोनों विषय बना सकते हैं। इस प्रकार देखिए तो सिर्फ अभी इतने डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि अधिक शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास, कम शक्तियां किसके पास, राज्यों के पास। फिर असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना देती है। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून तो बनाती है मगर वो किसके नियंत्रण में बनाती है, केंद्र सरकार के, जो अभी हमने तीन तरीके बताए आपको। इस प्रकार से भारत में विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज इन फेवर ऑफ यूनियन, राज्यों के पक्ष में किया गया है। आखिर निष्कर्ष लिखेंगे कि देखिए ये हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरल सुप्रीमेसी के डॉक्ट्रिन को स्वीकार किया है ताकि राज्यों के बीच में कंफ्लिक्शन ना हो पाए, ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य में जो प्रशासन और विधायन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक, ये तरीके हैं, इसको लिखने जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तब आ पाएगा। किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं कि भारत के संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा की गई है और उसके साथ अनुसूची 7 में जो है इसके बारे में, इन लिस्टों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जो निम्न प्रकार से है, और किस प्रकार से सारी बातें आप बता सकते हो। तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, अगर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है तो वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जब संघ सरकार राज्य सूची पर कानून बना देती है। तो जो कल की क्लास में 5 असाधारण परिस्थितियां बताई थी, इस बात को इसी को डील करना है, इसको लिखना है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द लिमिट्स ऑफ वर्ड्स दैट कैन वेरी 150 to 200, 150 to 200 के बीच में आपको आंसर देना होता है, तो उसको ध्यान रखते हुए तो ये सब प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे, सिर्फ क्लास में बैठकर कहानी सुनने से एग्जाम में भला नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करने पड़ेंगे, क्लास में जो आप बैठे हो ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेंगे। बस अब बात आती है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, या आखिर में क्लास लिख लीजिए, आखिर में क्लास लिख लीजिए। Thus we can see that the distribution of legislative power. Thus we can see that the distribution of legislative power between the union and the states, between the union and the states. It's in favor of union. The framer of our constitution, the maker of our constitution, the framers of Indian constitution deliberately, माने intentionally adopted the doctrine of federal supremacy, the doctrine of federal supremacy
टू एंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग कॉमा टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्शन एंड अब्सर्डिटी between the center and the states, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण केंद्र सरकार के पक्ष में है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर संविधान निर्माताओं ने विधायी शक्तियों का वितरण केंद्र सरकार के पक्ष में है। मतलब केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, ठीक है ना। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया। ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव से बचा जाए। और उनके मध्य कार्य संचालन प्रभावी और सुचारू रखा जाए। आपका जो है केंद्र राज्य विधायी संबंध खत्म हो गया। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस भाग में है? कौन सा भाग है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का? संविधान के किस भाग में है? भाग 11। ठीक, अध्याय कौन सा है, चैप्टर कौन सा है?
केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध संविधान के किस अनुच्छेदों के बीच दिया गया है? 256 से 263। एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव? सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशन, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अलावा आपको लिखना हो तो आप भी लिख सकते हो कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हो जब आप नेस लिख रहे होंगे, इस प्रकार से इसको जो बातें हमने आप पॉइंट में लिखी हैं इनको आप जो है शब्दों में पिरो सकते हो, ठीक, कि संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा की गई है और इसके लिए जो हमारे आर्टिस है वो अनुच्छेद 256 लेकर 263 तक इनकी इनको डील किया गया है, इन पर विचार किया गया है। अब केंद्र प्रशासनिक संबंध है क्या, इस पर विचार करें तो जिस प्रकार से हमने केंद्र राज्य विधायी संबंध देखे थे उसी पैटर्न पर उसी लाइन पर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भी चलते हैं। जैसे हमने आपको देख कहा था कि केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार कहां तक है, केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार कहां तक है, द एक्सटेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन कहां तक है, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार का जो लेजिस्लेटिव पावर है, यूनियन जो कानून बनाएगी वो द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक, उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार है उसकी प्रशासनिक क्षमता, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर का जो एक्सटेंशन है वो कहां तक है, पूरे भारत में अप्लाई होता है। अर्थात प्रशासन कहते किसे हैं, पहले इसको समझ लीजिए, प्रशासन जो है जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करना प्रशासन है। कानून बनाया गया कि 3 तलाक दंडनीय अपराध होगा, जो 3 तलाक देगा उसको ये दंड दिया जाएगा। अब इस कानून के अनुसार जब काम किया जा रहा है तो ये प्रशासन हो गया, मतलब 3 तलाक जिसने दिया है उसको पकड़ के लाया जाए, उसके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा किया जाए, उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाए, उसको फिर दंड दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए, ये सब प्रशासन काम करेगा। जो उसको जेल भेजा जा रहा है ये काम क्या है, जो उसी कानून का प्रशासन है, इसी कानून को लागू करना ही प्रशासन होता है। प्रशासन क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो जो कानून बने थे संसद में उस कानून को लागू करने के लिए अधिकारी चाहिए ना, तो उस कानून को लागू करने की जो मशीनरी है वो प्रशासन है। उस कानून को जब अप्लाई किया जा रहा है तो प्रशासन किया जा रहा है, बात समझ आ रही है। पता नहीं हमें सजा के बारे में मालूम नहीं है, इसका मालूम नहीं। तो देखिए, केंद्र सरकार या यूनियन या संघ की प्रशासनिक क्षमता कहां तक है, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में है। केंद्र सरकार की प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग पूरे भारत में किया जाएगा। जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग कहां तक किया जाएगा, उस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत तक, ठीक। तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले आपको देखना है क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल एक्सटेंट, क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार में आप ये देखोगे जो यूनियन है, यूनियन की प्रशासनिक क्षमता कहां तक जाएगी, और जो स्टेट है, स्टेट का क्षेत्रीय विस्तार कहां तक होगा। तो जो कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी,
उस कानून को लागू पूरे भारत में करने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का। तो इनकम टैक्स पर कोई कानून बना कि इतने आय वर्ग के वाले व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, इससे ऊपर के वाले व्यक्तियों पर 10% का कर लिया जाएगा, उससे ज्यादा आय वालों पर 20% लिया जाएगा, उससे ज्यादा आय वालों पर 30% कर लिया जाएगा। तो ये भी कर अप्लाई किया जाएगा, पूरे भारत में अप्लाई किया जाएगा। वो आयकर का कानून जो है उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, वो आयकर का कानून महाराष्ट्र में भी लागू होगा, वो आयकर का कानून वेस्ट बंगाल में भी लागू होगा। तो केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता है, ये केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक शक्ति का विस्तार है, वो क्या है? पूरे भारत में है, संपूर्ण भारत में है। क्षेत्रीय विस्तार अगर देखें तो यूनियन की जो प्रशासनिक क्षमता है, यूनियन प्रशासनिक क्षमता का विस्तार संपूर्ण भारत में है। केंद्र में जो कानून बनाया जाएगा वो पूरे भारत में लागू किया जाएगा। कानून को लागू करना ही प्रशासन कहा जाता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज अ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिक। और राज्य जो कानून बनाएगा, उत्तर प्रदेश ने कोई कानून बनाया कि जिस दंपति के 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको प्राइमरी स्कूल में भर्ती नहीं किया जाएगा टीचर के जॉब में। मान लीजिए ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, ठीक, तो ये कहां लागू होगा? ये उत्तर प्रदेश में लागू होगा, मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 2 क्या 4 10 जितने बच्चे होंगे उसके बाद भी आप टीचर भर्ती में आ सकते हो, ठीक। तो ये कानून जो कानून बनाए जाते हैं, तो यूनियन का जो कानून होगा उसका विस्तार पूरे भारत में होगा। स्टेट की जो प्रशासनिक क्षमता होगी, स्टेट की जो प्रशासनिक शक्ति होगी, स्टेट की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार किसमें होगा? राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? तो अब लिख लीजिए दूसरा पॉइंट में देखिए, एक तो क्षेत्रीय विस्तार है, दूसरा है प्रशासकीय विषय, टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसको कहते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट, क्षेत्रीय विस्तार को कहते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट। देखिए ये आपको चार्ट बनाना है, एक बार इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। ये मिटा नहीं है ऊपर वाला, ये है देखिए बात चल रही है प्रशासनिक शक्ति की, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर की। तो इसको हम 2 हेड में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार अगर हम यूनियन की प्रशासनिक शक्ति को देखें तो यूनियन की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार पूरे भारत में है, ठीक। और अगर हम राज्यों की प्रशासनिक शक्ति का क्षेत्रीय विस्तार देखें, टेरिटोरियल एक्सटेंट देखें, तो उनका जो है राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर तक उनकी प्रशासन चलता है। दिवस क्लियर हो गई? ये जो है डायग्राम बना लीजिए, बना लिया? अभी प्रशासनिक विषय बता रहे हैं हम, इतना लिख लिया।
सूत्र लिखाएं किस तरीके से लिखाएं कि ना लिखाएं, इससे काम चल जाएगा ना लिखाएं ना, इतना समझ आ गई। अब देखो इसको यूं समझ लीजिए, उदाहरण समझा रहे बात है। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के लिए कौन सा कर्मचारी काम करेगा? मान लीजिए आप IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी पूरे भारत में होगा। आप बंगाल जाओगे वहां भी आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS का ऑफिसर मिलेगा, आप महाराष्ट्र जाओगे वहां भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक, ये केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं और ये जो है इनकम टैक्स को पूरे भारत वसूलते हैं। उत्तर प्रदेश इनकम टैक्स को वसूलने के लिए यहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने अधिकारी हैं इनकम टैक्स के काम में लगे हुए हैं। ठीक, इसी बात महाराष्ट्र है, इसी प्रकार से इनकम टैक्स के ही ऑफिसर जो है आपको वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, पूरे भारत में जो है इनकम टैक्स की वसूली चल रही है। ठीक, तो इस प्रकार से केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता है, केंद्र सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरे भारत में लगता है। लेकिन मान लो भू राजस्व की वसूली करनी है, तो भू राजस्व की वसूली कौन करवाता है? ये उत्तर प्रदेश सरकार करवाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो पटवारी होगा वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाके भू राजस्व की वसूली नहीं करेगा। एक पोस्ट होती है जो यह भू राजस्व से जुड़ी होती है, ऐसे कुछ होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर भू राजस्व की वसूली करनी है या एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलना है, ठीक है, तो इसके जो ऑफिसर होंगे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर जाके काम नहीं करेंगे। देखिए इनकम टैक्स के ऑफिसर जो होते हैं पूरे भारत में घूम घूम के काम करते हैं, और उनको एक एरिया दे दिया जाता है कि आप इस एरिया में करना है। तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है पूरे भारत, उसकी एक ही सैलरी होगी, एक ही पे स्केल होगा, सब कुछ एक ही होगा, उसकी भर्ती कहां से होगी? केंद्र से की जाएगी। ठीक, तो इनकम टैक्स का ऑफिसर जो है ये पूरे भारत से इनकम टैक्स की वसूली करते हैं, ये जो है यूनियन का पूरे भारत में जो है प्रशासन क्षमता को दिखा रहा है। लेकिन राज्य अपना प्रशासन जो करता है वो राज्य के अंदर करता है, राज्य के जो अपने अधिकारी होते हैं राज्य के अंदर ही काम करेंगे और राज्य के अंदर काम करके उस काम को करेंगे। जैसे भू राजस्व वसूली के लिए जो राज्य का अधिकारी होगा, जो राज्य का ऑफिसर होगा, जो पटवारी या लेखपाल होंगे, ये SDM होगा, ये राज्य के अंदर ही काम करेंगे, यहाँ से जाकर वेस्ट बंगाल में काम नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल का जो है भू राजस्व का अधिकारी यहाँ के काम नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन इनकम टैक्स का ऑफिसर उसकी वो जो है महाराष्ट्र में उसकी पोस्टिंग कर दी गई, वहां से उठाकर उसकी वेस्ट बंगाल पोस्टिंग कर दी गई, वो पूरे भारत से, तो इनकम टैक्स पूरे भारत से वसूला जाता है। ठीक, तो ये जो केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता है वो पूरे भारत में अप्लाई की जाती है। राज्य सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता है, राज्य सरकार की जो प्रशासनिक शक्ति है, उसका प्रयोग, उसका विस्तार सिर्फ राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है। तो जिस प्रकार से कानून के बारे में हमने देखा था, पार्लियामेंट का कानून पूरे भारत में लगता है और राज्य सरकारों का कानून सिर्फ राज्य सरकार के अंदर लगता है। बिहार का कानून यूपी में लगेगा, यूपी का कानून बिहार में लगेगा। इस प्रकार से हर राज्य की अपनी प्रशासनिक क्षमता का विस्तार उस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। ठीक, उत्तर प्रदेश का कोई प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश से बाहर जाके काम नहीं कर सकता, उसका अथॉरिटी नहीं है। अब प्रशासकीय विषय, ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार प्रशासन करेगी, ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर राज्य सरकार प्रशासन करेगी? ठीक, ये इसको बताता है। तो जो यूनियन लिस्ट के विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उन सभी विषयों पर प्रशासन का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। वो सभी विषय जो राज्य सूची में है, जिसमें राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं, उन सभी विषयों पर प्रशासन का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको लिख लीजिए, समझ लिया ना लिखा है ना है? ठीक है, अच्छी बात है। हमने यूनियन लिस्ट लिखा दिया, यूनियन लिस्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रशासकीय विषय क्या है? जो यूनियन लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं, यहां पर 97 विषय दिए गए हैं, 97 विषय, इसको मिटा दें। आप लोग इतना जो है अगर होशियार बन जाए तो फिर कहना है क्या?
देखिए प्रशासनिक विषय का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा पुलिस, अब जब लिखना नहीं कहानी सुनी तो सुन पुलिस कहानी नहीं तो इनको कहानी बस कोई नई कहानी नहीं हो पुरानी कहानी है जो आपको पता है। प्रशासनिक विषय का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जो यूनियन लिस्ट है यहां कितने विषय हैं 97। इस पर प्रशासन का अधिकार किसको, इसमें प्रशासन का अधिकार किसको है, सेंटर को, सेंटर को है ठीक। स्टेट लिस्ट यहां कितने विषय हैं 66। इसमें प्रशासन का अधिकार किसको, राज्य को ठीक। अब एक है समर्पित विषय, माने जो 66 विषय हैं इन 66 विषय में कौन प्रशासन करेगा, राज्य सरकार, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी काम करेगी। और ये जो 97 विषय हैं इस पे कौन प्रशासन करेगा, केंद्र सरकार, केंद्र की प्रशासनिक मशीनरी काम करेगी। जो स्टेट लिस्ट में जो प्रशासन किया जाएगा जैसे राज्य के अंदर ही किया जाएगा, राज्य के बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन, यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में, इस पर जो प्रशासन किया जाएगा वो प्रशासन पूरे भारत में किया जाएगा। अब समर्थित सूची है, समर्थित सूची में दोनों कानून आते हैं, समर्थित सूची के विषयों पर प्रशासन कौन करेगा, ये पहले उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, बात समझ आ रही है आपको, आपको बात समझ आ रही है, क्या नाम है, स्पर्श, अच्छा स्पर्श ना, नोट कर लिए ना वो बात। अब तीसरी चीज देखिए, समर्थित सूची में प्रशासन का अधिकार किसको है, यूनियन को, स्टेट को, दोनों को, किसी को नहीं। यूनियन समवर्ती सूची में ये प्रश्न बड़ा मजेदार है और ये एग्जाम पूछा जा सकता है। समवर्ती सूची में प्रशासन का अधिकार राज्यों को दिया गया है, ये बात ध्यान रखने की है कि संघीय सूची में प्रशासन का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची में प्रशासन का अधिकार राज्य सरकार को, क्योंकि उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, मगर संघीय सूची में प्रशासन का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। माने संघीय सूची में कानून राज्य ने बनाया तब तो प्रशासन करेगा करेगा, संघीय सूची में कानून केंद्र ने बनाया तो भी वो प्रशासन जो है राज्य के कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए अलग से केंद्रीय कर्मचारी नहीं आएंगे। देखिए भारत में जो है अलग अलग कर्मचारी हैं, संघीय मामले हैं उस पर प्रशासन करने के लिए सेंट्रल के एम्प्लॉय काम करते हैं, सेंट्रल के जो एम्प्लॉयड हैं वो उस पर काम करते हैं। जैसे बैंक है, बैंक संघीय सूची का विषय है, तो बैंक के जो कर्मचारी हैं जो बैंक को चला रहे हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं ठीक। पोस्ट ऑफिस है, रेडियो है, टीवी स्टेशन है, यहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ये सब यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो केंद्र सरकार अपने विषय में प्रशासन करने के लिए अपने कर्मचारियों की भर्ती करती है और उनके माध्यम से प्रशासन चलाती है। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के जो एम्प्लॉय होते हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उनको राज्य सरकार भर्ती नहीं करते।
नहीं रखते हैं। सुनिए बात, समझा कि संघीय सूची पर प्रशासन कौन करेगा? अरे संघीय सूची पर केंद्र सरकार करेगी, तो प्रशासन करने के लिए केंद्र सरकार के अपने प्रशासनिक कर्मचारी होंगे, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे जो प्रशासन करेंगे। राज्य सूची पर प्रशासन कौन करेगा? राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के अपने एम्प्लॉय होंगे प्रशासन करने के लिए। ये बात समझ आ रही है? अब समर्थित सूची, समर्थित सूची में प्रशासन का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। अर्थात समर्थित सूची का जो विषय होगा उसमें प्रशासन करने के लिए आप देखोगे राज्य सरकार के कर्मचारी लगे होंगे। वन और पर्यावरण, वन और पर्यावरण समर्थित सूची का विषय है। मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, तो इस वन और पर्यावरण के उस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं आएंगे, राज्य सरकार के कर्मचारियों से काम करवाया जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से जो है शिक्षा, तो हाँ फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं ना वो सभी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं होते। तो राज्य सूची संघीय जो अपने विषय को प्रशासन करने के लिए उनके पास अपने कर्मचारी होते हैं, संघीय सूची पर प्रशासन करने के लिए केंद्र सरकार के अपने कर्मचारी होंगे जो काम करेंगे। राज्य सूची में प्रशासन करने के लिए राज्य सरकार के अपने कर्मचारी होंगे जो काम करेंगे। संघीय सूची में प्रशासन करने के लिए भी राज्य सरकार के ही कर्मचारी लगाए जाएंगे। सर भले कानून जो है वो बनाए संसद, ठीक, लेकिन उस कानून को जब लागू करने की बारी आएगी तो केंद्र का कर्मचारी नहीं उसमें लगेगा, उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी लग के काम करेंगे, ठीक। बात समझा गई? इसको इसको लिखाएं क्या हम? वो बातें आज समझ आ गई हैं, ये बातें बनी रहे, अगर हम नहीं बता रहे हैं तो आप लोग खुद घर जाकर आज ही, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं।